औरत की शर्मगाह में नफ्स डालकर 3 हरकतें कर दें तो आपका नफ्स लोहा बन जाएगा और टाइमिंग में भी इजाफा होगा। बहुत से लोग ज़्यादा हम बिस्तरी की वजह से हम बिस्तरी की असल लज़त खो बैठते हैं, असल मज़ा खो देते हैं। उन्हें कोई कमज़ोरी नहीं होती। अगर औरत की शर्मगाह को हद से ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो अपना ही नुकसान करोगे। आपकी ही टाइमिंग कम होगी और आपका ही नफ्स कमज़ोर होगा। अगर आप हम बिस्तरी की असल लज़त पाना चाहते हैं और अपनी टाइमिंग बढ़ाना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आपसे वो 3 तरीके शेयर करने जा रही हूँ। नंबर 1, ख़ास पोजीशन में हम बिस्तरी करना। अगर हम बिस्तरी की टाइमिंग बढ़ाना चाहते हो तो औरत की शर्मगाह में नफ्स डालकर एक ख़ास पोजीशन में हम बिस्तरी करो। बास पोजीशंस ऐसी होती हैं जिसमें मर्द बहुत जल्दी फारिग हो जाता है, जैसा कि डॉगी स्टाइल में मर्द जल्दी फारिग हो जाता है। जब औरत मर्द के ऊपर आकर हम बिस्तरी करती है या मर्द की गोद में बैठकर हम बिस्तरी करती है तो तब भी मर्द जल्दी फारिग हो जाता है। हम बिस्तरी के लिए सबसे बेहतरीन पोजीशन यह है कि औरत नीचे लेटी हो और मर्द औरत की टांगें उठाकर औरत के ऊपर आकर हम बिस्तरी करें। इस पोजीशन में औरत जल्दी फारिग होती है लेकिन मर्द फारिग होने में टाइम लेता है। इस तरह मर्द की टाइमिंग में इजाफा होता है। नंबर 2, वक्फे से हम बिस्तरी करना। जब मर्द औरत की शर्मगाह में नफ्स डालता है तो औरत की शर्मगाह की नरमी और गर्मी की वजह से मर्द बहुत जल्दी फारिग हो जाता है। इसलिए औरत की शर्मगाह में नफ्स डालकर वक्फे से हम बिस्तरी करने से मर्द की टाइमिंग में भी इजाफा होता है। लेकिन अगर मर्द औरत की शर्मगाह में नफ्स डालकर 2-3 झटके देता है, फिर नफ्स को बाहर निकालता है, फिर दोबारा अंदर डालता है और कुछ झटके देकर बाहर निकालता है तो इस तरह करने से मर्द की टाइमिंग बढ़ जाती है। मर्द फारिग नहीं होता और ज़्यादा टाइम तक औरत के साथ हम बिस्तरी कर सकता है, जिसे औरत बहुत ज़्यादा पसंद करती है। नंबर 3, पार्टनर पर तवज्जो ना देना। अगर औरत की शर्मगाह में नफ्स डालकर मर्द अपनी टाइमिंग बढ़ाना चाहता है तो औरत के जिस्म पर तवज्जो ना दे, औरत को किस ना करे, उसकी छाती को ना चूसे, उसके जिस्म के साथ ना खेले। क्योंकि जब मर्द औरत की शर्मगाह में नफ्स डालकर अंदर बाहर करता है तो इसके साथ औरत के जिस्म से भी मज़ा लेता है, तो फिर ऐसा मर्द बहुत जल्दी फारिग हो जाता है। जब तक मर्द औरत को मुतमईन नहीं करता उस वक्त तक मर्द औरत के जिस्म के साथ ना खेले ताकि जल्दी फारिग ना हो। इस तरह करने से मर्द अपनी टाइमिंग बढ़ा सकता है। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई YouTube चैनल। थैंक यू।